सतनाम वाहे गुरु। अजीत सिंह 69, मैनू शुगर ते ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है 1999 तो बहुत परेशान सी। शुगर की मेरी गोली वधदी जा रही सी, एक तो डेढ़ दो तीन तक पहुँच गई। तीन तो बाद फिर मैं डॉक्टर ने कहा हूँ शायद तो इंसुलिन ते आना पवे इंजेक्शन ते। उस तो बाद एक मिशन का जड़ा 6 महीने बाद कैंप लगता है मार्च का, वो अटेंड किया। उ डॉक्टर साहब दस रहे थे, डॉक्टर बलवंत सिंह, कि सिर्फ गुरबाणी नाल ही सारे दुख रो कट्टे जा सकते हैं। तो उस तो बाद 385L च दोपहर के समागम शुरू हुए, दास ने अटेंड करने शुरू किए। मैं वक्रा कोई पाठ नहीं किया, उत्थे संगती रूप में इन्हां शब्दों का पाठ, जिहड़े 7 शब्द होंदे सी तकरीबन, मैं रोज़ जांदा रहा। तो हौले हौले अज होर कल होर, तो हुण मेरी दवाई भी मगरों लै गई है, तो मैं सब कुछ खाँदा पीता ठीक हाँ, गुरु कृपा सदका। मैं कोई 6-7 महीने तो रेगुलर जा रहा हूँ ठीक। मैं तकरीबन 1-1.5 महीने बाद हो गया सी, जिस वेले मैं सब कुछ मैं खाना पीना, फिर टेस्ट मैं करवाउंदा रहिंदा 1-1.5 महीने बाद, शुगर मेरी नॉर्मल आउंदी है। मैं समझदा कि गुरबाणी नाल हर बीमारी का इलाज हो सकता है। इस स्थिति ते कोई ऐसा रोग नहीं जिहड़ा नहीं कट्टिया जा सकता। किवें कट्टिया जांदा है गुरु साहब जानते ने। जुड़ो गुरबाणी नाल, लाज बीमारियां जिन्हिया भी है सब का इलाज है गुरबाणी कोल। गुरु के चरणों में आओ, संगत नाल मिल के अरदास जिहड़ी है वह बहुत मायने रखती, उहदे नाल बहुत छेती ठीक हो जाता। एकाग्रता सिमरन वास्ते ठीक है, जरूरी है वक्रे तौर पर, लेकिन जितों तक बीमारियों का इलाज है या कोई कोई मुश्किल हल करनी है, वह संगत रूप में जे मिल बैठ के अरदास की जाती है उसका असर छेती होंदा है। जिस तरह तुसीं अगे दस रहे सी कि डेपुटेशन जाता है तो छेती आराम आ, छेती काम हो जाता, उही चीज़ है। संगत में अरदास हुई तो दास ठीक होना शुरू हो। सर्व रोग का आखद नाम। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।